स्वागत है आपका बांसगांव संदेश न्यूज चैनल पे। मैं हूं पंकज सिंह भारद्वाज। जैसा कि आप लोगों को पता है कि योगी सरकार ने कल जो फैसला किया है बाहर से मजदूरों को लाने के लिए, उसमें उसका क्या सकारात्मक और क्या नकारात्मक असर पड़ेगा, इसको हम जानेंगे अपने विशेषज्ञ डॉक्टर योगेश पाल जी से, जो कि इस समय कुशीनगर के बुद्ध इंटरमीडिएट कॉलेज में इतिहास विभाग के प्रवक्ता के पद पे कार्यरत हैं। तो डॉक्टर साहब, आप हमको ये बताएंगे कि इसका क्या सकारात्मक असर जो है कि पड़ा है, जो योगी सरकार ने फैसला किया है, इतिहास भी गवाह है। आप जो है कि अपना विशेषज्ञ टिप्पणी जो है कि करेंगे। निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा लिया गया फैसला जो मजदूरों को वापस बुलाने की दिशा में लिया गया है, ये स्वागत योग्य एवं सराहनीय है। इससे जो है अन्य प्रदेशों में रह रहे श्रमिक वर्ग जो आर्थिक मंदी से जूझ रहे हैं, उनको अपने घर वापस आकर के इस समस्या से भी निजात मिल जाएगी और साथ ही साथ अपने लोगों के बीच में भी आ जाएंगे जी। लेकिन इसके साथ ही उन लोगों को महाराज जी के या माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्णय को सही साबित करने के लिए, जैसे पहले हो चुका है दिल्ली के लोगों के साथ, दिल्ली से जो वापस मजदूर वर्ग आया था, कोटा से जो छात्र वर्ग वापस आए हैं वो क्वारंटाइन में रहते हुए, उसी तरह इनको भी क्वारंटाइन में रहते हुए महाराज जी के माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्णय को सही साबित करना पड़ेगा और फिर 14 दिन बाद क्वारंटाइन के बाद ये अपने घर वापस चले जाएंगे, जिससे आर्थिक समस्या से भी निवृत्त हो जाएंगे, निजात मिल जाएगी और अपने लोगों के बीच में भी चले जाएंगे, जिससे इनके परिवार की जो चिंता बनी हुई है वो भी दूर हो जाएगी और अपनी खेतीबाड़ी के कार्य में भी ये लोग संलग्न होकर के सार्थक रूप से कार्य करने के लिए आगे बढ़ेंगे। सब बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखते रहिए बांसगांव संदेश। नमस्कार।